फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होंडा के SP125 के फुल्ली डिजिटल कंसोल के बारे में। इसमें क्या क्या फीचर्स आता है, इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना इग्निशन गाड़ी का ऑन कर लीजिए। कुछ इस तरह से वेलकम स्क्रीन आता है इसका। और तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डिजिटल कंसोल के लेफ्ट साइड में सेलेक्ट का बटन है और डिजिटल कंसोल के राइट साइड में सेट का बटन है। ठीक है, जब हम डिजिटल कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए फ्यूल, आपके गाड़ी में कितना फ्यूल है वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ई का मतलब हुआ एम्प्टी और एफ का मतलब हुआ फुल। और ये जो है ये इंडिकेट करेगा कि आपके गाड़ी में कितना पेट्रोल है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये स्पीडोमीटर है, किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये टाइम है, टाइम बता रहा है कि 10:44 हो रहा है। यहाँ पे ये गियर इंडिकेटर है, अभी न्यूट्रल में है तो यहाँ पे एन, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन लाइट, यहाँ दोनों जगह न्यूट्रल शो कर रहा है। आप गाड़ी को जिस गियर में भी चलाएंगे, जिस गियर में गाड़ी रहेगा वहाँ पर वो नंबर शो करेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बता रहा है कि गाड़ी कितना चल चुकी है। ये ओडोमीटर हो गया गाड़ी का, कितना किलोमीटर अभी तक ये गाड़ी चल चुकी है। फ्रेंड्स, जब आप सेलेक्ट बटन को प्रेस करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे ये ट्रिप ए है, आप इसे जीरो भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे दो ट्रिप दिया गया, ट्रिप ए ट्रिप बी। सेट पर 2 सेकंड क्लिक करने से जीरो हो जाएगा। इसमें किलोमीटर पर लीटर ये माइलेज बताएगा, रियल टाइम माइलेज बताएगा। जब आप गाड़ी चलाएंगे तो उस समय बताएगा कि ये गाड़ी कितना का माइलेज दे रही है। ये एवरेज हो गया, मतलब किलोमीटर पर लीटर में एवरेज बताएगा गाड़ी कि जो भी आपका गाड़ी चला है, क्या 100 किलोमीटर गाड़ी चला है। तो 100 किलोमीटर में ऐसा नहीं है कि आपका गाड़ी हमेशा 60 का माइलेज दे रहा होगा या 65 का माइलेज दे रहा होगा। वो चलाने के कंडीशन से, सिटी या हाईवे के कंडीशन से वो वैरी करता है। तो उस हिसाब से वो एवरेज निकाल के आपको बताएगा कि ये कितना का एवरेज दे रहा है टोटल। फिर ये रेंज है, आपके गाड़ी में जो पेट्रोल होगा या जो फ्यूल, जो पेट्रोल बचा होगा गाड़ी में, उसके हिसाब से ये आपको रेंज बताएगा कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर और चल सकती है। तो ये सब बहुत बढ़िया फीचर्स लगा मुझे। और फिर हम वापस से इस किलोमीटर पे आ गए, मतलब ये जो ओडोमीटर शो कर रहा है 262 किलोमीटर। फ्रेंड्स, आपको यहीं पे आना है, इसी जगह पे इसे लाल ले आना है, ये जो ओडोमीटर बता रहा है कितना किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है अभी तक। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो सेलेक्ट का बटन है और सेट का बटन है, इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है। तो देखिए इस तरह से कुछ यहाँ पे इको का बता रहा है, मतलब जब आप गाड़ी राइड करेंगे तो ये लाइट ग्रीन रहेगा। तो इसका मतलब है कि गाड़ी आपका इको मोड में, अच्छा आपको माइलेज मिलेगा। इस लाइट को आप ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं, क्योंकि गाड़ी चलाते समय ये लाइट जलता है। तो अभी ये ऑन पर है, आप इसे थोड़ा देर छोड़ देंगे तो ये खुद फिर अपने से हट जाएगा। तो आप इसे क्या करेंगे, दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे। और देखिए आप इसे ऑफ कर सकते हैं, सेलेक्ट पर प्रेस करके ऑफ आ गया। अब यहाँ से सेट कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, लेकिन हमें इसे करना नहीं है इसलिए हम इसे ऑन पे ही रखेंगे। फिर आपको क्या करना है, इस सेट पे जाना है। तो यहाँ पे टाइम सेट करने का आ गया। तो टाइम सेटिंग में देखिए ये आवर का है, 10 है। अगर इसे सेलेक्ट पर प्रेस करेंगे हम तो ये 11 हो जाएगा, फिर प्रेस करेंगे 12 हो जाएगा। तो ये आवर सेट करने का है। फिर आप सेट पे क्लिक करेंगे तो ये मिनट सेट करने का आ जाएगा, जैसे 10:47 हो रहा है तो इसे आप इस तरह से सेलेक्ट पर टिपेंगे तो ये 48 मिनट हो गया। इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। फिर आप वापस से सेट पर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल स्क्रीन की तरह। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई डिजिटल कंसोल के बाद। इसमें और भी कुछ कुछ लाइट्स आते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा कर देता हूँ। तो ये न्यूट्रल का हो गया, जो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, गियर में आते ही ये बंद हो जाएगा और यहाँ गियर इंडिकेट करने लगेगा। और ये जो है आपका हाई बीम का है, या आप जब आप गाड़ी में पास देंगे तो ये लाइट ब्लिंक करेगा। ये जो है लेफ्ट टर्न इंडिकेटर का है, ये राइट टर्न इंडिकेटर का है। और जैसे ही आप इग्निशन को ऑन करते हैं यहाँ पे एक येलो कलर का लाइट आता है। फ्रेंड्स, ये जो येलो लाइट आया था ये इंजन मेल फंक्शन का होता है, अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो लाइट कंटिन्यू जलने लगेगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।